Hello friends, how are you? Hope you all are fine and doing well. आज की इस वीडियो में आपका एजेम आपको ले जाने वाला है भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य की सैर पर, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सो Let's start our today's video topic, interesting facts related to Uttarakhand. नौ नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तरांचल नाम का एक राज्य बना। पहले 2007 तक इसका नाम उत्तरांचल ही था, पर बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। इसकी राजधानी देहरादून है व यह भारत का 27वां राज्य है। उत्तराखंड अपनी नदियों के लिए सबसे अच्छी तरह जाना जाता है, क्योंकि यह भारत की कुछ सबसे पवित्र नदियों जैसे गंगा और यमुना का स्थान है। ये नदियाँ भारत की जीवन रेखा है। उत्तराखंड के ग्लेशियरों से निकलने वाली सैकड़ों छोटी और बड़ी नदियां हैं। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में मरीन ड्राइव का मजा ले सकते हैं। 4 नवंबर 2008 को भारत के प्रधानमंत्री ने पवित्र गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था। उत्तराखंड में दर्शनीय स्थलों में से एक फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। इस सूची में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। फूलों की घाटी उर्फ भयुंदर घाटी के आकर्षक और शांत दृश्यों को देखने के लिए देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक उत्तराखंड आते हैं। 7,816 मीटर की ऊंचाई वाली नंदा देवी, जो भारत की दूसरे सबसे ऊंची चोटी है, यह पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी हिमालय में बसा उत्तराखंड सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत से अलंकृत है। उत्तराखंड की विविध जातियाँ भोटिया, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, शुका और अन्य समुदायों का एक समूह है। इन सभी की अपनी अनूठी बोलियाँ, पहनावे, परंपरा, संस्कृति व त्योहार है। 1936 में स्थापित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला व सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने लुप्त प्राय बंगाल टाइगर को बचाने के लिए पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। नवीनतम जनगणना के अनुसार उत्तराखंड सबसे अधिक बाघों वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बन गया है। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा संस्कृत है। देवभूमि के रूप में संदर्भित उत्तराखंड एक दिव्य भूमि है जिसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। दोस्तों, इसमें पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग का अनूठा समूह है। इसके अलावा उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के छोटे चार धाम सर्किट यात्रा है, जिसमें बद्रीनाथ भारत के चार धाम का एक हिस्सा है और केदारनाथ शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी उत्तराखंड में ही स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित चंपावत की प्रसिद्ध आदमखोर बाघिन का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा लोगों को मारने के लिए दर्ज है। यह बाघिन अकेले कुमाऊं व नेपाल में 436 से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। बाद में जिम कॉर्बेट ने 1907 में इसे गोली मार दी थी। दोस्तों, आप चाहें तो आप इस मादा बंगाल टाइगर की स्टोरी
जिम कॉर्बेट द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक में भी पा सकते हैं। हर की पौड़ी, हरिद्वार में हर शाम सूर्यास्त के समय पुजारी गंगा के तट पर गंगा आरती करते हैं। यह एक बहुत सुंदर दृश्य होता है जिसे देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं। दोस्तों, टिहरी गढ़वाल के पास भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में सबसे ऊंचे बांधों में से यह एक है। उत्तराखंड में कई पर्यटन स्थल हैं, जिसमें मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, और औली, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग इत्यादि। ये स्थान न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज वीडियो टॉपिक, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू उत्तराखंड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।